नमस्कार, मैं आचार्य योगेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र शर्मा को, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैलेंडर किस दिशा में लगाएं। कैलेंडर समय का सूचक होता है, उसको किस दिशा में लगाना चाहिए। अगर गलत दिशा में लग गया है तो उससे अशुभ हो सकता है। अब दिशाओं की जानकारी देवें तो कैलेंडर को पूर्व दिशा की तरफ लगाना चाहिए, ईस्ट की तरफ, क्योंकि वो समय का सूचक है। उस तरफ कैलेंडर लगाएंगे तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। दूसरी दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा भी बहती हुई दिशा है, उस तरफ भी कैलेंडर लगा सकते हैं कैलेंडर को, क्योंकि पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से, क्योंकि कैलेंडर समय का सूचक है और बढ़ता रहता है, बहता रहता है, तो पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं। और उत्तर दिशा में लगाने के भी हैं स्थान, पर उसमें वायव्य की दिशा को लगाते हुए उत्तर की दिशा की तरफ ही हो, बस इतने में कैलेंडर लगाएं। दक्षिण दिशा की तरफ भूलकर भी कैलेंडर न लगाएं, क्योंकि दक्षिण की तरफ स्थायित्व का निवास है और कैलेंडर बढ़ता रहता है। इसलिए दक्षिण दिशा में कैलेंडर लगाने से घर में कार्य में प्रगति रुक जाएगी और अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाएगी। और इस पर विशेष जानकारी के लिए मुझे कमेंट करें और प्रश्न भी कर सकते हैं किस दिशा में कौन से पॉइंट पर कैलेंडर लगा सकते हैं। नमस्कार।